आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का सीएसपी लेने से पहले जान लें कि क्या कमीशन मिलता है और क्या क्या सर्विसेज हैं। पूरी सर्विसेज के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या कमीशन मिलता है पीएनबी के सीएसपी में। सबसे पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सर्विसेज का ऑप्शन मिल जाता है। पहला जो हमारा है अकाउंट ओपनिंग का सर्विसेज। अकाउंट ओपनिंग में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो न्यू रेट्स है, 20 रुपये आपको मिलते हैं। इसमें आपको 10 रुपये इन टाइम अकाउंट ओपनिंग के करते समय और 10 रुपये आफ्टर, जब उसमें आप 100 रुपये जमा करेंगे तब आपको टोटल 20 रुपये का कमीशन बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 20 रुपये का कमीशन अकाउंट ओपनिंग पे मिलता है, लेकिन इसमें आपको 16 रुपये अकाउंट में रिसीव होगा। जो रिसीव रेट है आपको 16 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग सेकेंड नंबर पर आते हैं, यहाँ पे टर्म डिपॉजिट और आरडी, यहाँ पे एफडी और जो आरडी है इसमें हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे आप 5 रुपये पर अकाउंट ऑटो रिन्यूअल अगर करते हैं यस, तो उसमें आपको 7 रुपये पर अकाउंट मिलेंगे। यहाँ पे आपका इतना कमीशन बनता है। इसमें आपको 4 रुपये रिसीव होगा। आप देख सकते हैं इसमें 4 रुपये जो रिसीव है, इसमें आपको 4 रुपये तक रिसीव हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे कैश डिपॉजिट ऑन बैंक। अगर आप पंजाब नेशनल अपने बैंक में अगर कैश जमा करते हैं तो आपको 0.40% ऑफ द कैश हैंडल विथ मैक्सिमम 50 रुपये पर अकाउंट पर डे मिलेगा। मतलब एक अकाउंट में आपको एक दिन में 50 रुपये मैक्सिमम मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें एक कैलकुलेशन किया हुआ है, अगर 1000 जमा करते हैं तो इसमें आपको 3 रुपये 20 पैसे लगभग मिलेंगे, और 10000 जमा करते हैं तो उसमें 40 रुपये बनते हैं तो इसमें आपको 32 रुपये आपको मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप 12000 रुपये जमा करते हैं अपने बैंक में तो 48 रुपये कमीशन बनता है, इसमें आपको 38 रुपये 40 पैसे कमीशन बनते हैं अकाउंट में आएंगे। और अगर 25000 जमा करते हैं तो 50 रुपये का कमीशन बनता है, इसमें आपको 40 रुपये का कमीशन मिल जाता है कैश डिपॉजिट ऑनर्स में। ऑनर्स मतलब अपने बैंक में जमा करने पे, कैश जमा करेंगे तब। उसके अलावा हम लोग चौथे नंबर पे आते हैं, कैश डिपॉजिट अदर बैंक AEPS और रुपए कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश डिपॉजिट अगर कैश जमा करते हैं दूसरे बैंक में या फिर फिंगरप्रिंट आधार कार्ड के माध्यम से या फिर ATM कार्ड से, तो यहाँ पे आपको 0.25% ऑफ द कैश हैंडल विथ मैक्सिमम 12 रुपये पर अकाउंट पर डे मिलेगा। मतलब इसमें 0.25% मिलेगा और इसमें आपको मैक्सिमम 12 रुपये तक ही मिलेगा एक अकाउंट में, एक दिन में पर डे पर अकाउंट। तो यहाँ पे 12 रुपये मैक्सिमम मिलता है, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे कैश डिपॉजिट करने के बाद। इसके अलावा हम लोग पाँचवें नंबर पे आते हैं, कैश विड्रोवल ऑनर्स। पाँचवें नंबर पे हम लोग देख सकते हैं कैश विड्रोवल ऑनर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप अपने बैंक में कैश निकासी करते हैं तो आपको क्या कमीशन मिलता है। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का CSP हैं और आप PNB के कस्टमर को पैसा निकालते हैं तो क्या कमीशन मिलता है। यहाँ पे आपको 0.40% का कमीशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको मैक्सिमम 50 रुपये पर अकाउंट पर डे, मतलब एक खाते में आपको एक दिन में 50 रुपये ही मैक्सिमम मिल पाएंगे। अगर 1000 रुपये आप निकालते हैं तो 3 रुपये 20 पैसे मिलेंगे। अगर आप 10000 रुपये निकालते हैं तो 40 रुपये आपका कमीशन बनता है, उसमें आपको 32 रुपये मिलेंगे। और मैक्सिमम अगर मिलेगा तो आपको 50 रुपये पर अकाउंट पर डे तक मिल सकता है मैक्सिमम में। इसके अलावा हम लोग छठे नंबर पर आते हैं, छठा नंबर हम लोग का है कैश विड्रोवल ऑफर्स। मतलब अगर आप निकासी करते हैं दूसरे बैंकों का, पंजाब नेशनल बैंक के अलावा दूसरे बैंकों का अगर आप निकासी करते हैं तो इसमें आपको परसेंटेज कुछ कम देखने को मिलता है, 0.25% ऑफ द कैश हैंडलिंग विथ मैक्सिमम 12 रुपये पर अकाउंट पर डे। मतलब इसमें आपको मैक्सिमम आपको 12 रुपये तक ही मिलेंगे। जैसे 1000 हम लोग निकालते हैं जिसमें आपको 2 रुपये 50 पैसे बनते हैं, इसमें आपको 2 रुपये का कमीशन रिसीव होता है और इसमें मैक्सिमम आपको 12 रुपये ही मिलेंगे। अगर आप 10000 का निकासी करते हैं तो 12 रुपये आपका कमीशन बनता है, उसमें आपको रिसीव होंगे 10 रुपये। इसके आगे बढ़ते हैं फंड ट्रांसफ़र ऑन बैंक। अगर आप
अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक में, तो इसमें 0.40% का कमीशन मिलता है और इसमें पर डे आपको 10 रुपये ही मिल पाएंगे। यहाँ पर अकाउंट पर डे मतलब एक अकाउंट में सिर्फ एक बार करते हैं तो 10 रुपये तक मिल पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं स्लैब दिया हुआ है, इसमें आपको मैक्सिमम 8 रुपये तक रिसीव हो जाते हैं अगर फ़ंड ट्रांसफ़र 25,000 तक आप कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र अदर बैंक AEPS रुपए कार्ड, अगर आप AEPS और रुपए कार्ड के माध्यम से फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे बैंकों में तो आपको इसमें 0.40% का कमीशन मिलता है। इसमें एक अकाउंट पर डे दिया गया है लिमिट, इसमें आपको 10 रुपये तक का कमीशन मिलता है। यहाँ पे सेम लाइक अबव सेम ऊपर में जैसा था वैसा ही इसमें भी आपको कमीशन मिलेगा। इसमें एक खास है IMPS, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र जो होता है हम लोग IMPS जो करते हैं, इसमें 0.40% कैश हैंडलिंग विथ पर डे 30 रुपये आपको यहाँ पे मैक्सिमम 30 रुपये कमीशन मिल जाते हैं पर डे पर अकाउंट। अगर 1,000 रुपये आप IMPS करते हैं तो आपको उसमें 3.20 रुपये लगभग, और 10,000 करते हैं तो 24 रुपये लगभग, 12,000 करते हैं तो उतना ही 24 रुपये मिलेंगे। अगर आप 25,000 रुपये भी करते हैं तो आपको 24 रुपये का ही कमीशन देखने को मिल जाता है, आपके जो अकाउंट में है वहाँ रिसीव होगा। उसके आगे हम लोग चलते हैं इंडो नेपाल रिमिटांस चार्ज। अगर आप नेपाल में पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंडो नेपाल रिमिटांस चार्ज के माध्यम से आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। इसमें आपको 0.40% कैश हैंडलिंग विथ मैक्सिमम आपको 30 रुपये पर अकाउंट पर डे का यहाँ पे आपको मिलता है। अगर आप 1,000 जमा करते हैं तो इसमें 3.20 रुपये, 10,000 जमा करते हैं तो 24 रुपये, 12,000 में भी सेम है, 25,000 में भी आपको सेम 24 रुपये का बैलेंस मिल जाता है। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी अपने बैंक का करते हैं तो आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है, और बैलेंस इंक्वायरी अदर बैंक AEPS रुपए कार्ड और ATM कार्ड के माध्यम से बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो इसमें आपको ना कमीशन बनता है और ना कमीशन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप मिनी स्टेटमेंट करते हैं उसमें भी आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है और ना आप कस्टमर को अकाउंट में मिलेगा। इसके अलावा एनरोलमेंट ऑफ माइक्रो इंश्योरेंस यहाँ पे देख सकते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा अगर आप करते हैं तो इसमें 1 रुपये का कमीशन मिलता है, उसमें आपको 0.80 मतलब 80 पैसे आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अगर करते हैं उस पर आपको 30 रुपये पर इनरोलमेंट मिलते हैं, इसमें आपको अकाउंट में जो रिसीव हो गए कमीशन उसमें 24 रुपये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा इनरोल फॉर सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, अगर आप APY करते हैं तो उसमें आपको 50 रुपये पर इनरोलमेंट आपको दिए जाएंगे और 60 रुपये भी दिए जाएंगे, लेकिन 60 रुपये तब मिलेंगे जब आप टारगेट को पूरा करेंगे। टारगेट में आपका 60 APY पर BC दिया गया है, अगर महीने में आप 60 APY कर देते हैं तो आपको 60 रुपये के माध्यम से आपको 1 APY के माध्यम से मिल जाएगा, तो टोटल आपको 1 APY पे 48 रुपये मिलेंगे। अगर आप आधार सीडिंग थ्राउट बायोमेट्रिक फिंगर लगा के अगर आप आधार सीडिंग करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन बनता है, उसमें आपको 4 रुपये मिल जाएंगे। उसके 18 नंबर पर हम लोग आते हैं SHG एंड JLG, यहाँ पे आपको दिया गया है SHG जो कस्टमर होते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर आप 300 रुपये द टाइम ऑफ सेविंग करते हैं तो लिंकिंग में आपको 300 आफ्टर 4 मंथ के बाद, आपको सेविंग लिंकिंग में फिर 400 और क्रेडिट लिंकिंग में आपको इतना मिलेगा, तो यहाँ पे 240 रुपये ही मिलेंगे, फिर 240 फिर 320 रुपये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद 19 नंबर में आते हैं रिन्यूअल टर्म डिपॉजिट और RD, फिक्स और RD जो हम लोग रिन्यूअल करते हैं तो उसमें 2 रुपये पर अकाउंट मिलता है। अगर रिन्यूअल करते समय आप फ्लैग यस का निशान लगाएंगे तो उसमें आपको 5 रुपये का कमीशन देखने को मिल जाता है, उसमें आपको 1.60 रुपये ही मिलेंगे। अगर आप NEFT करते हैं तो इसमें 0.40% का ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट यहाँ पर लगता है, मैक्सिमम आपको 10 रुपये ही मिलेंगे। अगर 1,000 करते हैं तो 3.20 रुपये, 10,000 करते हैं तो 8 रुपये, 12,000 करते हैं फिर भी 8 रुपये ही कमीशन मिलेंगे, 25,000 भी करते हैं तो 8 रुपये ही कमीशन मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग 21 नंबर पर आते हैं मोबाइल सीडिंग। अगर आप मोबाइल नंबर जोड़ते हैं किसी भी कस्टमर का तो आपको 5 रुपये का कमीशन बनता है, उसमें आपको 4 रुपये का कमीशन मिल जाता है। पासबुक अपडेट करते हैं 5 रुपये का कमीशन बनता है, एक पासबुक को एक दिन में एक ही बार आपको कमीशन मिलेगा, उसमें आपको 4 रुपये का कमीशन मिल जाता है। कैश कलेक्शन में भी आपको 5 रुपये, उसमें आपको 4 रुपये मिल जाता है। रुपए रिक्वेस्ट अगर आप नया चेकबुक करते हैं उसमें भी आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, उसमें आपको 4 रुपये रिसीव हो जाता है।
स्टॉप अगर आप कोई चेक करते हैं तो उसमें भी आपको 5 रुपये का कमीशन बन जाता है। चेक स्टेटस इंक्वायरी, अगर आप कोई भी चेक का स्टेटस इंक्वायरी करते हैं तो उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर SMS अलर्ट, ईमेल स्टेटमेंट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और ऑलरेडी रजिस्टर, यहाँ पे अगर इसमें से कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिल जाता है, उसमें आपको 4 रुपये रिसीव हो जाते हैं। अब हम लोग 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर पे BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, कितना का भी आप करें उसमें आपको 4 रुपये मिल जाते हैं। अप्लाई फॉर रुपये डेबिट कार्ड 6 मंथ ओल्ड अकाउंट, अगर आपका अकाउंट 6 महीने से पुराना है, अगर आप उसमें फिर से दोबारा अप्लाई करते हैं ATM कार्ड, तो आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, उसमें आपको 4 रुपये मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी कार्ड को ब्लॉक करते हैं, अगर किसी का कार्ड खो गया वहाँ ब्लॉक करते हैं, तो उसमें भी आपको 4 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। अगर आप पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे थ्राउट जीवन प्रमाण पत्र अगर आप बनाते हैं आधार के माध्यम से, इसमें भी आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है और इसमें आपको 4 रुपये रिसीव हो जाएंगे। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं सुकन्या समृद्धि स्कीम एनरोलमेंट। सुकन्या समृद्धि आप सभी को करना है, यहाँ पे आपको 10 रुपये पर एनरोलमेंट मिलते हैं, इसमें आपको 8 रुपये का कमीशन आपको पर एनरोलमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे PPF अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, इसमें भी आपको 10 रुपये पर अकाउंट मिलेंगे, इसमें 8 रुपये का कमीशन आपको मिलेगा। रिकवरी कलेक्शन अप टू बैंक अप्रूवल लिमिट्स, ये आपको बैंक के अप्रूवल के लिमिट के अनुसार आपको दिया जाएगा, इसमें अपडेट होते रहता है, तो इसमें आपको 5% ऑफ द अमाउंट रिकवरी, और SMA जो सेकेंड अकाउंट है इसमें 2.50% दिया गया है। ये सर्किल और स्टेट हेड, ब्रांच हेड वगैरह के अनुसार ये एलिजिबल है। यहाँ पे शेयरिंग पैटर्न ऑफ कमीशन फीस ETC कॉर्पोरेट BC एंड BC, इसमें आपको जितना भी कमीशन बनता है उसमें 20% कंपनी रखती है और 80% आपको अकाउंट में जाता है। इस तरह से आपका कमीशन यहाँ पे सब काट के जो भी कंपनी रखती है उसके अलावा भी आपको मिल जाता है, जो पूरा डिटेल्स में यहाँ बताया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।